ये करो यार क्या नाम है आपका? प्रवीण भाटी। योगेश शाह गिरफ्तार हुआ है बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी था सियाना बवाल का मामला, आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि योगेश राज मुख्य आरोपी नहीं है, इस पूरे प्रकरण में वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है तो न्यायालय ही हमारे समक्ष एक मार्ग बसता है, तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय के समक्ष वो निर्दोष साबित होगा, जो ट्रायल चलने वाला है उसमें वो निर्दोष साबित होकर के बरी होगा। अच्छा, जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ था उसमें खुद वो वहाँ जाम लगा था, दिख रहा था और किस मतलब पुलिस वालों से हॉट टॉक करते थे, तो आप क्या मानते हैं उस मामले? देखिए, जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें हॉट टॉक नहीं कर रहा था, वो अपनी बात रख रहा था और जाम लगाते हुए कहीं भी उस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। उस दिन दो घटनाएँ हुई थी, पहली घटना हुई थी गौकसी के बाद अपनी बात रखने की, जहाँ संख्या इकट्ठी हुई, उसके बाद जब अपने हमारी मांगे प्रशासन ने मांग ली, उसके बाद वो थाने चला गया, थाने जाने के बाद उसने मुकदमा लिखवाया। दूसरी घटना में वो वहाँ मौजूद नहीं था, हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं। आप मानते हो निर्दोष? हाँ, हम मानते हैं निर्दोष। तो कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो एक खबर आ रही है कि आप कुछ जो संगठन के लोग उन्होंने गिरफ्तारी दी है इसके, मतलब उन्होंने गिरफ्तार कराया? नहीं नहीं, ये सब सारी चीज़ें अफवाह हैं, संगठन के ना संपर्क में था वो, अपने आप ही स्वयं ही पुलिस ने उसको पकड़ा। नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा था वो नेपाल की लोकेशन आ रही है और अब फौरन ही खुर्जा से उसको। देखिए, मैं तो आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि वो नेपाल है, कभी देहरादून है और कभी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। सारी चीज़ें जो आप मुझे दे रहे हैं वो उन्हीं सोर्सों के माध्यम से मुझे जानकारी हो पा रही है। ठीक है।